बिजनौर के नगीना इलाके में चार बदमाशों ने डॉक्टर दंपति को बंधक बनाकर जमकर मारपीट की और 40,000 नकद और लाखों रुपए के जेवर लूटकर फरार हो गए। स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील देने की योजना में पहले लापरवाही के कई मामले सामने आ चुके हैं। बुधवार को शुरू हुई पोषक आहार के रूप में दूध देने की योजना में भी मजाक किया जा रहा है। दरअसल कानपुर में इस योजना के तहत बच्चों को 2 मिलीलीटर दूध दिया जाना था, लेकिन बच्चों को 40 मिलीलीटर दूध ही दिया गया। बलिया के सिकंदरपुर थाना इलाके में बरवना गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में 2 लोगों की मौत हो गई। पीएम मोदी का आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा है, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं का भी वाराणसी पहुंचना शुरू हो गया है। कानपुर देहात में हथियार लूट के मामले में बंदी कैदी पेशी से वापस जाते वक्त सिपाहियों को चकमा देकर फरार हो गया। इलाहाबाद में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। पीडी में सुबह से ही मरीजों की भीड़ उमड़नी शुरू हो जाती है। अग महीने रमजान में रोजेदार दुनिया की बेहतरी के लिए रोजा रखते हैं, ये बातें धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री विजय मिश्रा ने गाजीपुर में कही। हरदोई में एक मजदूर की सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल जगदीशपुर चौराहे पर हरदोई की तरफ से आ रही किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। नोएडा में चेकिंग के दौरान 2 पुलिसकर्मियों ने 2 युवकों को गोली मार दी, जिससे एक युवक का हाथ काटना पड़ा। बुलंदशहर के जिला पंचायत राज अधिकारी पर महिला सरकर्मी के साथ शारीरिक छेड़छाड़ और धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। इलाहाबाद के थाना जॉर्ज टाउन इलाके में वकील की हत्या करने पहुंचे हत्यारों ने उसके गार्ड की ही गोली मारकर हत्या कर दी। बदायूं में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला थाना बिनावर के बिलहत गांव का है। बरेली के जरी व्यापारी का बेटा पिछले 3 दिनों से रहस्यमय ढंग से लापता है, परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई। अंबेडकर नगर के आलापुर थाना क्षेत्र में एक शातिर बदमाश की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीलीभीत के कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के 3 युवकों पर एक विवाहिता ने अपहरण कर बंधक बनाकर लगातार 3 दिन तक गैंगरेप करने का आरोप लगाया। जनपद उधम सिंह नगर में सिडकुल में कार्यरत बाहरी राज्यों के श्रमिकों का सत्यापन महाराष्ट्र की तर्ज पर जल्द ही ऑनलाइन किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज के तहसीलदार और लेखपाल ने जालसाजी करके 2014 में आई बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे में भारी हेराफेरी की है। अमरोहा के गजरौला कस्बे में एक पॉलीथीन में अज्ञात युवक का चला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। ऋचा चड्ढा की आने वाली फिल्म मजान का नया गाना रिलीज कर दिया गया है। अर्शद वारसी ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के आगामी एपिसोड की मेजबानी की। इस खबर को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर साझा किया, जिसमें अजय देवगन, श्रेया सरन और तब्बू को अपनी फिल्म दृश्यम का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। सिंह जैकी श्रॉफ के बेटे की मां का किरदार निभाने जा रही हैं। कोरियोग्राफर ने डायरेक्टर बने रिमो की डिसूजा की अगली फिल्म में वो टाइगर की मां बन सकती है। कृति सेनन ने होम लेनन कनेक्शन को लॉन्च किया। अकीरा की यूएसपी निर्देशक मुर्गदास हैं, जो किसी मेल एक्टर की बजाय सोनाक्षी को लेकर एक्शन फिल्म बना रहे हैं।